इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, ये थोड़ी सी आकृति अलग है भाई। पहला तीन, दूसरा तीन और एक स्वयं बड़ा वाला तीन, ठीक है। और ये भी तीन का सेट तो है ही, ये भी तीन का सेट तो है ही। फिलहाल अगर बात करें तो तीन तीन छः, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, तीन पंजे पंद्रह। पंद्रह के बाद मैं एक काम करता हूँ, एक बार नंबर लिखना शुरू कर लेता हूँ जो रह गए। सोलह, ये दो का सेट है, अगर ध्यान से देखो तो आप, ये दो का सेट है, ठीक है। कितने का सेट है, टोटल दो का सेट है, ये जो है वो दो का सेट है। सोलह और दो अट्ठारह हो गए, अट्ठारह, तो इसको अट्ठारह नंबर दे दो आप, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। दो ये ले लिए मैंने, इसलिए देखो तीन 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 पंद्रह और दो सत्रह और एक ही अट्ठारह। हाँ दोस्तों, ये अट्ठारह त्रिभुज हमने गिना दिए थे। अट्ठारह के बाद वाले अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, ठीक है। इनसे जो त्रिभुज 18 के बाद जो बन रहा है वो कौन से नंबर का बन रहा है, देखिए आई जी जे, आई जी जे एक तो ये बन रहा है 19 नंबर पे, जे एन क्यू, जे एन क्यू दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ए जे ओ जो पहले नहीं गिना, ए जे ओ दिखाई दे रहा है। अगला बन रहा है ए ओ डी, ए ओ डी ये पहले कहीं से नहीं गिना, आई डी ए, आई डी ए, आई डी एरा और ए एरा बड़ा त्रिभुज आई डी ए। अगला है आई डी एफ, आई डी एफ ये बड़ा त्रिभुज। इसके बाद ई एन डी, ई एन डी की बात करें तो ई एरा, एन एरा, डी एरा ये पहले कहीं से नहीं गिना, दो का सेट अलग था ये, ठीक है। एन आर एस, एन आर और एस, ठीक है। आई ओ ए, आई ओ और ए, आई ओ ए बड़ा त्रिभुज, ठीक है। अगला है ए पी ई, ए ये रहा ऊपर ए और पी देखो ये रहा और ई ये रहा, बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से, ए यहाँ से देखो, यहाँ से इधर ए पी ई, ठीक है। अगला है आई ए एच, आई और ए ये रहा और एच बड़ा त्रिभुज। अगला है ए एच एफ या एच ए एफ कोई भी मान लो, सबसे बड़ा त्रिभुज आई ए एफ। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे, 31 आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुज देखें तो तीन का सेट तो ये है, तीन के बाद चार पाँच छः सात, सात त्रिभुज हो गए और सात के बाद में एक पूरा बड़ा त्रिभुज आठ। फिलहाल त्रिभुजों की संख्या कितनी है भाई, आठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं हमें कितने हैं, मैं गिनना शुरू करता हूँ। ये तीन का सेट होता है, चार पाँच छः सात आठ, इसके अलावा पूरी आकृति में कोई और त्रिभुज नहीं है। फिलहाल आंसर आएगा एट, ठीक है। इसमें सेकेंड 76 नंबर का एग्जांपल है। फर्स्ट में लिखा है इफ़ ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू, सेकेंड में दिया है गिव आंसर सेकेंड इफ़ ओनली कंक्लूजन ट्रू, थर्ड पे दिया है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, फोर्थ पे दिया है इफ़ बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू, यानी केवल फर्स्ट के लिए एक है, केवल सेकेंड के लिए दो है, थर्ड पे दोनों गलत होंगे और फोर्थ पे दोनों सही होंगे। आंखों के सामने ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है देखिए, एल लेस देन इक्वल टू क्यू, क्यू लेस देन इक्वल टू आर,
आर इक्वल्स टू एस, आर मोर देन एच एंड एच मोर देन इक्वल्स टू पी, ये इक्वेशन है। पी एस, पी लेस देन एस, पी एस से छोटा है, पी और एस को देखा लेस देन की तरफ जा रहा है, पहली बात सही है। सेकंड, एल लेस देन इक्वल्स टू पी, एल पी से छोटा बराबर है। अब देखो एल और पी को देखें तो दो चिन्ह इधर जा रहे हैं, दो चिन्हों को मुंह इधर है, मुंह से मुंह मिल रहा है, अपोजिट साइन वाली कंडीशन पूरी हो रही है। और अपोजिट साइन में मैंने कहा था कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होता है, ये गलत होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें जो आएगा वो अपना कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर जो है इसका आंसर हमारा आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है यहाँ 77 की अगर बात करें तो इसमें ये इक्वेशन है, इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, ये इक्वेशन है हमारे सामने u मोर देन इक्वल्स टू y, ये और है k मोर देन w, k मोर देन w, k w से बड़ा है तो ये अपोजिट साइन आ गए k और w के बीच में, ये गलत हो गया। y लेस देन इक्वल्स टू w, y लेस देन इक्वल्स टू w, ये इसके बराबर है, ये बराबर है और ये बात क्या है, सही है। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो सेकंड नंबर जो है इसका 77 का आंसर आएगा। थर्ड नंबर का एग्जांपल है, ये दो इक्वेशन है, इनको अरेंज करना है मुझको, तो पूरी क्लास देखिए, y लेस देन इक्वल्स टू w, w लेस देन u लेस देन w, w मोर देन s, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरी को देखें अगर, तो m मोर देन इक्वल्स टू w, w मोर देन d, ये इक्वेशन है, अरेंज करना है। y लेस देन m, y लेस देन m, बिल्कुल ये बात सही है फर्स्ट वाली। s लेस देन d, s और d को देखें, इसमें अपोजिट साइन आ गए, ये क्या है, गलत है, इसलिए 78 का जो है वो फर्स्ट आंसर सही है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है 79 नंबर का, इसकी अगर हम बात करें, s लेस देन इक्वल्स टू p बराबर q लेस देन j। अब q के बारे में अगर बात करें तो q लेस देन इक्वल्स टू p, और p के बारे में बात करें p लेस देन इक्वल्स टू l, लेस देन इक्वल्स टू l, ये इक्वेशन है। j मोर देन l, j मोर देन l, ये अपोजिट साइन आ जाएंगे यहाँ पे, तो पहला गलत हो जाएगा। s लेस देन j, s लेस देन j, ये वाली बात सही है, केवल सेकंड कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, सेकंड आंसर 79 का आने वाला है, ठीक है। 80 से 81, इसमें थोड़ा सा जो है वो चेंज है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू हैं, आंसर फर्स्ट देना है, और दोनों जब गलत हैं तो आंसर सेकंड देना है, और तीन नंबर जब देना है जब केवल फर्स्ट वाला सही है और केवल सेकंड वाला सही है तो चार आंसर देना है। ये क्वेश्चन है हमारी आंखों के सामने, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें हम, तो आर टी एस, टी डी रखा है, तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ये क्वेश्चन बनेगी इसकी। आर लेस देन बी, आर लेस देन बी, ये आर है, सॉरी सही कर देते हैं, ये जो है वो आ रहा है, ये जो है वो आर है, ठीक है। आर लेस देन वी, आर लेस देन वी, ये लेस देन की तरफ आ रहा है, सही है। एस लेस देन इक्वल्स टू एक्स, एस लेस देन इक्वल्स टू एस, अपोजिट साइन आ गए, ये गलत है, और ये फर्स्ट वाला फोर्थ पे आना चाहिए, इसलिए 80 का आंसर जो है वो फोर्थ आएगा। 80 का जो आंसर है वो कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा, फोर्थ का मतलब सेकंड है, ओके थर्ड आएगा, ओनली इफ कंक्लूजन फर्स्ट आर ट्रू, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड नंबर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो v मोर देन इक्वल्स टू m, m इक्वल्स टू t, t इक्वल्स x,
और टी के बारे में बात करें ठीक है, एस लेस देन आर, एक्स लेस देन आर, अपोजिट साइन आ गए, ये तो गलत हो गया। बी मोर देन इक्वल टू एस, बी मोर देन इक्वल टू एस, ये वाली बात सही है। और सेकेंड वाला जो है वो फोर्थ में है, इसलिए 81 का जो है वो आंसर फोर्थ माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 82। 82 में ये इक्वेशन है, देखिए एक बार सभी। ई मोर देन इक्वल टू एम, ठीक है, पर पहले इस बड़ी इक्वेशन को ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। छोटी छोटी इक्वेशन को बाद में ले लेते हैं, तो पहले इसी को लेते हैं। पी लेस देन ई, ई लेस देन इक्वल टू आर, आर मोर देन एफ, ई मोर देन इक्वल टू एम, आर लेस देन टी, ये क्वेश्चन है। टी मोर देन एम, टी मोर देन एम, ये मोर देन, हाँ सही है। एफ लेस देन एम, एफ लेस देन एम, लेस देन, लेस देन, लेस देन, अपोजिट साइन आ गया, अपोजिट साइन में क्या गलत होता है। तो ये जो आंसर आएगा वो थर्ड नंबर आएगा, 82 का जो है करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, 84। 84 में ये इक्वेशन है हमारे सामने, आर इक्वल्स टू क्यू, लेस देन इक्वल्स टू आई, मोर देन इक्वल्स टू एम, बराबर है ई के, और आई छोटा है जेड से। क्यू लेस देन इक्वल्स टू ई, क्यू लेस देन इक्वल्स टू ई, अपोजिट साइन आ गया, ये गलत हो गया। एम मोर देन जेड, एम मोर देन जेड, मोर देन नहीं लेस देन है, ये दोनों गलत है। दोनों जब गलत हैं तो आंसर सेकेंड आना चाहिए। करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड नंबर है, 83 नंबर का एग्जाम्पल है। 84 ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो ये इक्वेशन लिखी हुई है देखिए आप सभी, और एच ये जे और ये वी, ठीक है। सबसे पहले वी मोर देन डी, वी मोर देन डी, ये मोर देन की तरफ आ रहा है, सही है। आर लेस देन जे, आर लेस देन जे, ये छोटे की तरफ आ रहा है, ये बात भी सही है। दोनों बातें जब सही हैं तो फर्स्ट जो है वो आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, 84 का फर्स्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, 85 है। 85 में अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे तो एक, दोनों गलत होंगे तो दो, केवल फर्स्ट सही होगा तो तीन, केवल सेकंड सही होगा तो चार। ये क्वेश्चन है सबसे पहले, ठीक है, और ई लेस देन इक्वल टू वाई, ये वाई है। एम मोर देन इक्वल टू आर, ये पहली बात सही है। बाई मोर देन ए, ये अपोजिट साइन आ जाएंगे बाई और ए में, ये गलत माना जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है वो थर्ड नंबर पे, 85 का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है सी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू वाई और सी लेस देन वाई, सी लेस देन वाई, सी लेस देन वाई वाली बात सही है। सेकंड मतलब फोर्थ आंसर आएगा 86 का, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये इक्वेशन है इतनी बड़ी, देखिए आप। ये क्वेश्चन है, एल लेस देन एस, एल लेस देन एस, लेस देन नहीं, अपोजिट साइन आ गए, ये अपोजिट साइन हमेशा गलत होता है। ई मोर देन डब्लू, ई मोर देन डब्लू, ये भी अपोजिट साइन है, ये भी गलत है। दोनों गलत हैं और दोनों गलत में सेकंड नंबर जो है 87 का आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, ये रही पूरी की पूरी सामने, अब इसी में चेक करना है। ओ मोर देन डी, ओ मोर देन डी, ये बात सही है।
ई लेस देन ई, ई लेस देन सी, ई लेस देन सी, ये वाली बात भी सही है। दोनों बातें जब सही होती हैं तो आंसर देना है फर्स्ट। तो 88 का जो आंसर है वो आएगा फर्स्ट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ई लेस देन ओ मोर देन डी, ओके अपोजिट साइन आ गया इसमें, तो ये गलत हो गया, गलती हो गई। ओनली सेकेंड वाला सही है, इसलिए फोर्थ आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, ये इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहला ए मोर देन एफ, ए मोर देन एफ अपोजिट साइन गलत। ए लेस देन इक्वल टू के, आर लेस देन इक्वल टू के, इसमें भी अपोजिट साइन आ गए। दोनों बातें जब गलत होंगी तो फिर आपको जो आंसर देना है, दोनों बातें गलत, फर्स्ट आना चाहिए। 89 का जो आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले में यहाँ 88 है, 88 में अगर बात करें तो ओनली सेकंड आ रहा है, और ओनली सेकंड जो है वो फोर्थ में था, इसलिए फोर्थ आ रहा है। ओके ठीक है, ये भी हो गया। इसकी बात करें तो इसके ऊपर ऑप्शन लिखें, ये इक्वेशन है। y मोर देन k, y मोर देन k, ये बात सही है। f लेस देन y, f लेस देन y, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही है और उत्तर आएगा 4। फोर्थ जो है उसका करेक्ट आंसर है 90 का। बढ़ते हैं आगे, 91, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, देखो। पहला डी मोर देन इक्वस टू बी, डी मोर देन इक्वस टू बी, डी मोर देन इक्वस टू बी अपोजिट साइन आ रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। ई मोर देन इक्वस टू एस, ई मोर देन इक्वस टू एस, ये बात सही है। ओनली सेकंड जो है वो ऑप्शन थर्ड पे है, इसलिए आंसर 91 का जो है वो थर्ड ऑप्शन आने वाला है। बढ़ते 92 पे, इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमें चेक करना है। सी लेस देन एफ, C लेस देन F, ये वाली बात क्या है, सही है। और A मोर देन इक्वस टू E, A मोर देन इक्वस टू E, अपोजिट साइन आ गई A और E के बीच में, इसलिए ये बातें क्या होंगी, गलत होंगी। ओनली फर्स्ट वाला जो है वो सही है, इसलिए सेकंड वाला जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते आगे, ये इक्वेशन है निश्चित रूप से सही है, तो कौन सी बात सही होगी इस इक्वेशन पे। O मोर देन T, ओ मोर देन टी अपोजिट साइन आ रहे हैं, गलत होगी। एस लेस देन आर, एस लेस देन आर, ये बात सही है। टी मोर देन ए, टी मोर देन ए अपोजिट साइन आ रहे हैं, गलत है। एस इक्वस ओ, एस इक्वस ओ, ये बात भी गलत है। ओनली सेकंड, यानी सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा 93 का। ठीक है, और यहाँ पे जो पेपर में आया था ये ऐसे आया था, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके स्थान पर कौन सा आ सकता है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लगाएं जिससे हमारा जो आंसर है वो आ जाए। ठीक है भाई, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखें जिससे हमारा आंसर आ जाए 94। तो यहाँ जो बात सही बैठेगी वो आपके, देखो, P मोर देन L, क्वेश्चन मार्क की जगह फोर्थ ऑप्शन लिख रहा हूँ तो ये बात सही बैठ जाएगी। यहाँ लिखा है P A से बड़ा है, P
पीए से बड़ा है, बात सही बैठ रही है। दूसरा है, ये ऐसे आया था, टी एल से छोटा बराबर है, टी एल से छोटा बराबर है, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है, फोर नंबर पे। बढ़ते हैं अपन 95 पे। 95 नंबर का एग्जांपल है, यहाँ देख रहा है कि भाई बी एन से बड़ा है और डी एल से छोटा बराबर है, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन रखें जिससे अपनी बात पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बी एल ओ एन डी, तो यहाँ पर लिखा है बी एन से बड़ा है, बी एन से बड़ा दिख रहा है, डी एल से छोटा बराबर है, डी एल से छोटा बराबर है, ये बात सही किस ऑप्शन पे हो रही है, चार नंबर ऑप्शन पे ये बात सही हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, अगले एग्जांपल पे देखते हैं कि इसकी जगह कौन सा ऑप्शन रखें जिससे ए पी से छोटा है, निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए बात, गलत कौन सी रखा जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन पे बात सही होगी, पी छोटा बराबर है एन से, एन छोटा है ए से, ए बड़ा है एल से, ए पी से छोटा है, ए जो है वो पी से छोटा है जबकि ए पी से बड़ा है, तो ये असत्य वाली बात किस पे सही होगी, फोर्थ नंबर पे सही होगी। बढ़ते हैं आगे 97 की बात करें तो 97 में ये लिखा है एफ एन से बड़ा है, यू डी से बड़ा है, निश्चित रूप से असत्य है, बनाने के लिए कौन सी बात जो है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए एफ छोटा है ओ से, बराबर है यू के, बराबर है एन, छोटा है डी, चेक करो एफ एन से बड़ा है, तो एफ एन से छोटा आ रहा है, एक तो यू डी से बड़ा है, यू डी से बड़ा है, यू डी से छोटा आ रहा है, तो ये वाली बात जो है असत्य किस ऑप्शन पे होगी, तीन नंबर पे होगी। बढ़ते हैं आगे 98 नंबर, 98 में दिया है कुछ दिए गए प्रश्न में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए जिसके अनुसार दिए गए सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पी एस से बड़ा बराबर है, पी डी से छोटा है और डी आर से बड़ा है, ये सारी बातें किस ऑप्शन पे सही होंगी। तो पहले को अगर मैं चेक करता हूँ तो पहले से इक्वेशन बनेगी पी वी, बी बराबर है डब्लू के, एक तो ये कर लिया अपन ने सॉल्व, एक ये कर लिया डी बी एन पी, एक इसको ले लेते हैं एन बड़ा है पी से और आर बी नहीं है, डब्लू है, इसको ले लेते हैं डब्लू आर से बड़ा बराबर है, आर छोटा बराबर है बी से, तीनों ले लिए, डी बड़ा है बी से, ए ऑप्शन को रख रहा हूँ पहले ना, ये ले लिया और W बराबर है बी के ले लिया, N छोटा है D से, ठीक है सब ले लिए मैंने, ये D आपसे कह रहा है P S से बड़ा बराबर है, चेक करो P जो है वो S से बड़ा बराबर है, H कहाँ है इसमें, आखिरी में ये होगा मेरे ख्याल से H, डब्लू आर से बड़ा बराबर है, बी आर से बड़ा बराबर है और एन बड़ा है पी से और डी बी से बड़ा है, डी बी से बड़ा है और डी एन से बड़ा है, ओके ये डी है जो है वो डी से छोटा है, ये बात तो सही हो रही है और डी आर से बड़ा है, डी आर से बड़ा है ये बात भी सही हो रही है, पर ये पी एस से बड़ा बराबर है, ये एच नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, आर या बी होगा, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एस तो है ही नहीं, तो ये आर होना चाहिए, पी आर से बड़ा बराबर है, तो ये बात सही किस ऑप्शन पे हो जाएगी, ए पे। 98 नंबर में कोशिश यही है कि मैं आपको बोनस दिलवा दूँ, है ना। 99 में हमसे पूछी है कि भाई जो है कौन सी बात सही है, सारे पॉइंट किस पे सही हैं, ये चेक करना है, डी ऑप्शन पे एक बार चेक कर रहे हैं अपन,
जे बड़ा बराबर है एफ से, जे बड़ा बराबर है एफ से, और इसके बाद में अब ले रहे हैं अपन इसको, एफ बराबर है जी के, अब ले रहे हैं इसको, जी बड़ा है ई से, अब ले रहे हैं अपन इसको, ई बड़ा है डी से, अब ले रहे हैं इससे, डी बड़ा है आई से, अब आई बड़ा है एस से, एच बराबर है के से। सब ले लिए, सारे पॉइंट आ चुके हैं। पहला जे ई से बड़ा है, जे ई से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही है। डी के से बड़ा है, डी के से बड़ा है, ये बात भी सही है। ई आई से बड़ा है, ई आई से बड़ा है, ये बात भी सही है। सारी बातें किस ऑप्शन पे सही बैठ रही हैं? डी ऑप्शन पे। 100 नंबर पे आ जाते हैं, ये सारी बातें किस ऑप्शन पे सही बैठेंगी वो हमें देखना है। मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, पहले इसको लिखता हूँ, बी छोटा बराबर है जे से, ठीक है, बी छोटा है एक्स से, क्यू वाई नहीं है अभी, एक्स टी ये है, एक्स टी के बराबर है, ठीक है, यू क्यू से बड़ा है नहीं है, टी डब्लू ये है, टी डब्लू से बड़ा है, अगला वाई जे के बराबर है ये है, वाई ए, ठीक है, यू क्यू से बड़ा है ये बचा है, क्यू वाई से बड़ा बराबर है, क्यू वाई से बड़ा बराबर है, ये भी ले लिया, और यू बड़ा है क्यू से। चलिए पहला चेक करें, एक्स डब्लू से बड़ा है, एक्स डब्लू से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही है। दूसरा यू वाई से बड़ा है, यू वाई से बड़ा है, ये बात भी सही है। बी क्यू से छोटा बराबर है, बी क्यू से छोटा बराबर है, ये वाली बात भी सही है। तो सारी बातें जो सही हो रही हैं वो किस ऑप्शन पे हो रही हैं? बी। और किसी पे सारी बातें सही नहीं होंगी। तो ये अपना पेपर कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं आगे ऐसी ही वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।